नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइंड क्रिप्टो में। दोस्तों आज हम BTH के बारे में बात करेंगे, जो बिटकॉइन हंटर है जिसमें लोग माइनिंग कर रहे थे। ये 2021 से लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट, बट बहुत इसका जो रेट है माइनिंग रेट बहुत कम था, बहुत स्लो इसकी माइनिंग हो रही थी। जैसे इन्होंने बताया था, ये यहाँ देख सकते हो, इनका जो टारगेट है वो 70,000 US डॉलर का ये पर कॉइन का टारगेट है। तो लोग यहाँ पे प्राइस पंप, जैसे लिस्टिंग का प्राइस होगा वगैरह, वो कुछ ज़्यादा होगा, इस वजह से लोगों ने मतलब बहुत इसमें माइनिंग कर दी। तो ज़्यादा कॉइन माइन नहीं कर पाए वो, फिर भी किसी ने 50 किए, किसी ने 70 किए, किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 है, तो ऐसा हुआ इसका। तो बहुत कम इसकी माइनिंग हो पाई लोगों से। बट अभी जो ये है, इनका जो ट्विटर हैंडल, ये ट्विटर हैंडल पे बहुत कम ट्वीट करते हैं। ये जो देख सकते हो, ये 7 अप्रैल को ट्वीट किया था, और उसको ये 4 दिन पहले ट्वीट है, और सीधा यहाँ पे देख सकते हो बहुत मतलब कम ट्वीट करते हैं ये लोग, बहुत कम। पूरे 2021 से 2023 तक ऊपर देख सकते हो 11 ट्वीट्स हुए इनके, बहुत मतलब कम ये लोग ट्वीट करते हैं। तो इनका अपडेट जो आता है दोस्तों, वो टेलीग्राम पे आता है ज़्यादातर। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हो इनका जो अपडेट है सारा टेलीग्राम पे आता है डेली का, और ये बिटमार्ट पे अभी जो US का एक्सचेंज है उस पर लिस्ट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो इनका जो प्राइस है, बहुत कम प्राइस पे लिस्ट हुआ है दोस्तों। ये 0.0019 से लिस्ट हुआ है, ये बहुत कम प्राइस होता है। बट ये लोग जैसे क्लेम करते हैं कि 70,000 डॉलर का, कम से कम 7 या 8 डॉलर से तो लिस्ट कर देते, बट बहुत कम इसमें रेट मिला है लिस्टिंग का। तो मेरा भी जो अकाउंट था दोस्तों लॉक हुआ था, कुछ रीज़न के वजह से मैंने माइनिंग 3-4 दिन नहीं की थी, तो इन्होंने मेरा अकाउंट लॉक कर दिया। तो इसका कैसे था कि माइनिंग इसकी ऑटोमेटिक चालू रहेगी, हमको कोई क्लिक नहीं करना होता है, बट डेली हमको आके इसमें एक बार ओपन करना होता है। तो मेरा ऐसा 3-4 दिन हुआ नहीं कुछ रीज़न के वजह से, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉक हो गया। ज़्यादा टोकन नहीं थे मेरे पास, कुछ 5-6 टोकन थे, तो वो भी मैं अभी उनको रिपोर्ट वगैरह किया, तो फिर भी वो रिकवर नहीं हुआ। तो अभी मैंने बिटमार्ट पे देखा इसका प्राइस बहुत लो है, तो मैंने इसके टोकन भी बाय करके रखे हैं। जितने मैंने माइन किए थे उससे बहुत ज़्यादा टोकन मैंने बाय करके रखे। अगर ये फ्यूचर में पोटेंशियल रखता है 70,000 डॉलर, हम नहीं उतना देखेंगे, बट 70 या 700 या 100 डॉलर भी जाता है तो हमारे लिए ह्यूज प्रॉफिट बन सकता है। ये आपको बिटमार्ट पे दिखा देता हूँ मैं। हम अभी बिटमार्ट में आ गए, यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो असिस्ट है, जो वॉलेट है, तो यहाँ देख सकते हो मैंने जो अभी बाय किए है टोकन, कुछ 1200 या 1300 के बाय किए थे, तो मुझे कम से कम 6,742 टोकन मिले हैं उतने डॉलर के। आपके पास अगर थोड़ी भी अमाउंट में हो गए डॉलर्स या कुछ भी, तो आप बाय कर लेना, क्योंकि अगर ये जो बोलते हैं उतना अगर सही निकलता है दोस्तों, तो आगे चल के अपना फ्यूचर सेट है। तो आपको वो पिज़्ज़ा वाली स्टोरी याद ही होगी, जैसे कि यह देख सकते हो ये जो पिज़्ज़ा वाली स्टोरी है, ये जो US का जो बंदा था उसने दो क्या, इधर देखो यहाँ पे डेट भी लिखी है, May 22, 2010 में ये जो टाइम वगैरह सब दिया है, तो उन्होंने ये 10,000 बिटकॉइन पे करके यहाँ पे इन्होंने ये पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा बाय किए, जो आज ये होल्ड करते हैं तो दोस्तों ये जो थे अरबपति बन जाते हैं अभी तक। तो इन्होंने उस टाइम हल्के में ले रहे थे लोग बिटकॉइन को, तो अभी आप लोग भी इसको BTH को हल्के में लोगे तो ऐसा ना करना दोस्तों, 4-5 साल के लिए आप होल्ड कर दो, प्राइस बहुत अच्छा जाने वाला है इसका भी। और ये अभी एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, बाकी के जो बाइनांस है, जो दूसरे दूसरे एक्सचेंज है उस पर भी ये लिस्ट होगा, तो प्राइस
अच्छा खासा जाएगा। 2-4 साल के लिए आप इसको होल्ड करके रखो। ये जो है हम इनसे इंस्पायर होके कुछ सीख सकते कि देखो इन्होंने जैसे 10,000 बिटकॉइन दे दिए जिनकी वैल्यू अभी होती है 23 से 24 अरब रुपए इंडियन रुपीज में। तो दोस्तों सोच सकते हो कितना ज़्यादा इन्होंने लॉस कर दिया। अब ये रिग्रेट कर रहे होंगे कितना मतलब इन्होंने लॉस किया। तो वैसे ही आप लोग होल्ड करो। बिटमार्ट में इसकी प्राइस देख सकते हो। अभी जो बिटमार्ट का ये जो चार्ट है इनका मार्केट का चार्ट, वहाँ पे मैंने देख सकते हो आप कि 0.0019 पे इसका प्राइस चल रहा है। अभी इसका डाउन भी आया था अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइन है इसका डाउन भी बहुत अच्छा खासा नीचे गया था ये। तो यहाँ पे बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। तो दोस्तों आप बाय कर सकते हो, तो जल्दी बाय करके रखना। इसकी प्राइस जल्दी पंप हो जाएगी तो प्राइस बहुत जाएगा। तो आपको जितने डॉलर में आप परचेस कर रहे हो तो कम मिल जाएगी टोकन आपको। तो इसलिए वजह से आप जल्दी बाय करके रखना अगर आप बाय कर सकते हो तो, क्योंकि ये लिस्ट हुआ है, कोई अभी घबराने वाली बात नहीं है। तो बाय कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे कुछ 1200 या 1300 के बाय करके रख दिए। बहुत लोग दोस्तों बोल रहे थे ये लिस्ट होगा तो कम से कम 7 या 8 डॉलर से या फिर $5 से तो लिस्ट होगा, बट वैसा नहीं हुआ दोस्तों। बहुत मतलब बहुत लो प्राइस से लिस्ट हुआ ये। कुछ 2 या 3 महीने में शायद $1 तो पहुँचेगा। तो जिन्होंने अच्छे खासे अमाउंट में बाय किया है वो प्रॉफिट तो बुक कर सकेगी। अभी ये डाउन में चल रहा है, इसका जो डाउनफॉल देख सकते हो 1.15% का जो नीचे चल रहा है ये। दोस्तों फिलहाल तो ये एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, जो US का एक्सचेंज है बिटमार्ट, उस पर ही लिस्ट हुआ है। बट ये बाइनेंस पे या फिर दूसरे अदर एक्सचेंज है उस पर भी जल्दी लिस्ट हो जाएगा। बाइनेंस पे थोड़ा टाइम लगेगा, उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट बाकी के जो एक्सचेंज है उसमें भी जल्दी लिस्ट हो जाएगा। तो आपके पास अच्छे खासे टोकन हो गए तो आप उसको विड्रॉ कर लेना, और अगर बाय कर सकते हो तो बाय करके होल्ड कर लेना 2-4 साल के लिए। बाय करके भूल जाओ इसको दोस्तों, क्योंकि आगे चल के बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो होल्ड करना पड़ेगा आपको 4-5 साल के लिए। इसलिए जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं बोल रहा नहीं कि आप $100 करो, $200 करो, कुछ 5 या 10 डॉलर भी करते हो ना दोस्तों तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इनका पोटेंशियल अच्छा लगता है, सप्लाई भी कम है इसकी। तो इसके बारे में कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी मैं अपडेट दे दूंगा अगर कुछ छोटी सी अपडेट होगी तो। और दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जो दूसरे माइनिंग के प्रोजेक्ट है जिसमें माइनिंग चालू है, जिसका आगे विड्रॉ मिलेगा इसी साल, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप प्लीज़ जाके उसमें भी माइनिंग चालू कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप माइनिंग। बाय बाय, थैंक यू।